आपके राइट में फुल टर्न राइट टर्न आजे मैं इधर हाँ जी हाय रोलिंग रोल रोल आज शूट के बात करें साड़ी व्हाट वाज दैट द लाइन प्रोड्यूस एक्चुअली ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था आज के लुक के लिए। मैं कल एक इवेंट में गई थी और वहाँ पे मुझे एक लेडी मिली थी जो शायद मुझे पसंद करती होंगी काफ़ी टाइम से, तो वो मेरे लिए साड़ी लेकर आई थी तो मुझे बहुत प्यारी लगी तो मैंने बोला कि फिर मैं आज ही पहन लेती हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। ऐसे कुछ ख़ास तैयारियाँ तो नहीं है पर मतलब मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होते हैं ऐसे अवार्ड फंक्शंस एंड एवरीथिंग बिकॉज मेरे लिए मतलब अवार्ड्स एक बहुत इमोशनल चीज़ हो जाती है इसलिए। जो कि मंडली से थे अर्चना गौतम का भी नाम सामने आ रहा है, हाउ मच एक्साइटेड यू आर? मैं देखो मैं इतना दिखती हूँ नहीं पर अभी शिव जा रहा है तो मेरे को देखना है अभी इस पर क्या करूँगी, पर आई विश शिव वैसे बहुत कमाल का इंसान है एंड वो बहुत अच्छे से करने वाला है आई एम श्योर, सो होपिंग फॉर द बेस्ट कि वो जीत कर आए एंड अर्चना को भी ऑल द बेस्ट। बिग बॉस खत्म हो गया। अच्छा बात करें आपके प्रोजेक्ट के बारे में तो व्हाट ऑल आर देयर इन द पाइपलाइन फ्रॉम योर साइड? मेरा तो यही है कि मैं अभी बस जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मैं आराम से इंतज़ार करना चाहती हूँ एक अच्छे काम का एंड आई एम श्योर कि मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में नजर आऊँगी लोगों को बहुत जल्द। लॉकअप या फिर अभी नहीं देखो लॉकअप ना अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है और फिलहाल जो एंटरटेनमेंट शो जो मैं कर रही हूँ वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा ही मैं बोल रही हूँ कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में मैं लोगों को दिखने वाली हूँ। मैं सबको यही कहूँगी कि थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए एंड ये आपका प्यार ही है जो मुझे इतना मोटिवेटेड रखता है और अच्छा काम करने के लिए मुझे हिम्मत देता है, पावर देता है और सो थैंक यू सो मच गाइज एंड जस्ट कीप लविंग मी। थैंक यू। रिसेंटली अब्दू हैदराबाद से यहाँ पे आए हैं, उन्होंने कहा है एलसी और उसके बीच में दोबारा सब शॉर्टवर्ड हो गया उनकी तरफ से, तो आपको क्या कहना है? आपको मैं तो पहले से ही बोल रही थी यार दोस्तों में झगड़ा होता है, सब दोस्तों में होता है, ठीक चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। आई थिंक कि सब ने देखा ही है कि मेरी जो मतलब फैमिली है प्यारी सी वो कितनी ज़्यादा मेहनत करती है मेरे लिए, सो उसका ये एक और सबूत हो गया कि मैं उनकी फेवरेट हूँ एंड दे लव मी अलॉट, दे कंसिडर मी एज देयर ओन चाइल्ड, एज देयर वेरी क्लोज फ्रेंड और सिस्टर, सो वो फैमिली मान के मुझे इतना प्यार देते हैं और मैं भी उन्हें फैमिली मानती हूँ, तो मैं ये अवार्ड सिर्फ मेरी पूरी उस फैमिली को डेडिकेट करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। अरे वो बहुत पुरानी है छोड़ो ना। ये कौन सा? अरे नहीं अरे वो मैं कब का बोल चुकी हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ पुरानी है नहीं उसे। देखो मुझे अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो मैं कोई शो करती हूँ सबसे पहली बात, तो स्टोरी के लिए के ऊपर डिपेंड करता है। होपिंग फॉर द बेस्ट, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू डू दैट बिकॉज मेरे लिए मेरा मेन एम वही है। थैंक यू